हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एलपी राकेश में आप सभी लोगों का स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग खुश होंगे और अपने जो भी एलपी एस्पिरेंट है वो अपनी तैयारी कर रहे होंगे। और मैं आप लोगों के साथ आज एलपी सीबीटी 1 का सिलेबस डिस्कस करने वाला हूं, जो 2018 की वैकेंसी को लेकर के मैं डिस्कस करूंगा। तो आप लोग मेरे चैनल के साथ बने रहिए, जो भी एलपी एस्पिरेंट है और जो भी मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल के साथ जुड़ जाइए। आप लोगों को हमेशा अपडेट मिलते रहेगी कि क्या कैसे पढ़ना है, और मैं थोड़ा बहुत आप लोगों को कैसे पढ़ना है सिलेबस को भी बता दूंगा आज के वीडियो में। तो आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करूंगा और जल्दी है आप लोगों को मैं सिलेबस डिस्कस करता हूं अभी जल्दी से, और बता भी दूंगा कि क्या क्या पढ़ना है और कौन कौन से टॉपिक ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए चलते हैं। तो फ्रेंड्स, जो भी एलपी एस्पिरेंट है वो अपना 100% दे ताकि आप लोगों की भी एग्ज़ाम को क्रैक कर ले, और मुझे बहुत खुशी होगी क्योंकि आप लोग मेहनत करोगे तो ज़रूर आप लोगों को सक्सेस मिलेगी। तो कभी भी हिम्मत मत हारिए और अपना पढ़ाई को कंटिन्यू रखिएगा। तो फ्रेंड देखिए, मैं फॉर एलपी एस्पिरेंट के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, जो भी अपने से फोकस किए हैं एएलपी को लेकर के, एग्ज़ाम को लेकर के, उन्हीं लोगों को मतलब स्पेशली मैं फोकस करके वीडियो बना रहा हूँ ताकि उन लोगों की कुछ हेल्प हो जाए। और एलपी सिलेबस फॉर फर्स्ट स्टेज को मैं डिस्कस करूँगा आज, और जिसको बोलता है फॉर एएलपी और टेक्नीशियन दोनों के लिए इसका सेम होता है सिलेबस फर्स्ट स्टेज सीबीटी के लिए। 2018 वैकेंसी को लेकर के मैं सिलेबस डिस्कस कर रहा हूँ। तो चलिए जानते हैं कि इसका क्या क्या पूरा मतलब सिलेबस है। तो फ्रेंड सबसे पहले देखिए, आपका जो ड्यूरेशन रहेगा वो आपका 60 मिनट का रहेंगे, और इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे 75 क्वेश्चन, और इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी। जैसे कि आप अगर 3 क्वेश्चन गलती करेंगे तब आपके 1 नंबर पूरे कट जाएंगे। तो आप लोग बिल्कुल भी जो क्वेश्चन में डाउट है वो कभी भी मत मारिएगा, एकदम संभल कर बनाइएगा। और आगे मैं डिस्कस करूँगा कि इसमें क्या क्या कैसे कैसे परसेंटेज मतलब कैटेगरी वाइज लाने पड़ते हैं, मतलब क्वालिफाइड करने के लिए मिनिमम परसेंटेज मार्क्स फॉर एलिजिबिलिटी इन वेरियस कैटेगरीज में। आपको सबसे पहले यूआर को 40% लाना पड़ेगा, 75% निकाल करके जितने भी मार्क्स बनते हैं आप लोग को उतने लाने ही पड़ेंगे मिनिमम, तभी आप सीबीटी 1 को क्वालिफाइड कर पाएंगे। और ओबीसी कैटेगरी को 30% लाने पड़ेंगे, और एससी को 30% और एसटी को 25% लाने पड़ेंगे। द स्टेज ऑफ फर्स्ट सीबीटी स्कोर शैल बी यूज ओनली फॉर शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स फॉर सेकेंड स्टेज। मतलब आप लोग को सिर्फ ये मेरिट बनाने के लिए इसके मार्क्स वैलिड रहेंगे, इससे आप लोगों को कोई आपका मार्क्स वैलिड नहीं रहेगी किसी भी शॉर्ट लिस्टिंग के लिए। आप लोग को ये मार्क्स को देखा जाएगा फॉर सेकेंड स्टेज सीबीटी की 2 के लिए, तो आप लोग के मार्क्स बिल्कुल ऐड नहीं होंगे। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात फ्रेंड्स, देखिए आप लोगों की सिलेक्शन होगी 15 टाइम्स कैंडिडेट विल बी सेलेक्ट फॉर सेकेंड स्टेज एग्जाम सीबीटी 2। मतलब कि जैसे कि आपका वैकेंसी आपके बोर्ड में है 10,000, तो आप लोगों का 15 टाइम उसके सिलेक्शन लेंगे, यानी कि कितने 1.5 लाख स्टूडेंट को सेलेक्ट किया जाएगा उस बोर्ड में। और ऐसा ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आप लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। और अब जानते हैं सिलेबस, मैथ सिलेबस हम लोग जानते हैं कि मैथ सिलेबस में आप लोगों को क्या पढ़ना है, तो आइए जानते हैं मैथ सिलेबस के बारे में। तो सबसे पहले देखें यहाँ पे मैथ सिलेबस में सबसे पहले नंबर सिस्टम है। आप लोगों को ये सारे नंबर सिस्टम बहुत ही अच्छा से प्रैक्टिस कर लीजिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चन आते हैं, और इसमें आप 100% सही बना के आएंगे अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। बोर्ड मार्क्स भी इम्पोर्टेंट है, डेसिमल इससे भी आते हैं क्वेश्चन, और फ्रैक्शन से भी क्वेश्चन आती है, एलसीएम एचसीएफ ये सारे इम्पोर्टेंट है सब। ये सब आप लोग जरूर सबसे पहले यही सबको ख़त्म कर लीजिए और प्रैक्टिस करते रहिए ज़्यादा से ज़्यादा।
अब देखिए इधर जानते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। आप लोग का बहुत ही अच्छा चैप्टर है, इसको कमांड कर लीजिएगा। इस पे परसेंटेज मेंसुरेशन में आप लोग सारे एरिया ऑफ सर्कल ये सब सारे आ जाएंगे, फिर वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूब ये सब सारे सिलेंडर आ जाएंगे। टाइम एंड वर्क इम्पोर्टेंट चैप्टर है बहुत, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं। टाइम एंड डिस्टेंस भी एकदम 100% एक इससे आएंगे, इंटरेस्ट से भी क्वेश्चन आते हैं हर साल। इस देखिए ये प्रॉफिट एंड लॉस, इससे भी क्वेश्चन आते हैं, इसको भी तैयारी कर लीजिए इसकी। फिर एलजेब्रा से क्वेश्चन आते हैं, एलजेब्रा से क्वेश्चन आते हैं, फिर ज्योमेट्री से भी क्वेश्चन आते हैं, ये सब टॉपिक इम्पोर्टेंट है। ट्रिग्नोमेट्री से भी एक दो क्वेश्चन आते हैं, एलिमेंट्री स्टैटिक्स से कभी कभी आते हैं, कभी कभी नहीं, स्क्वायर रूट से आते हैं, एज कैलकुलेशन से भी आते हैं, कैलेंडर एंड क्लॉक से भी आते हैं, पाइप एंड किस्टन। तो मैथ में लगभग सब टॉपिक को आप लोगों को कवर करना होगा, और मैथ सिलेबस में आप लोगों के साथ डिस्कस कर दिया हूँ फोर स्टेज सीवीटी वन के लिए। तो आप लोग इसमें जो भी डाउट होगा कमेंट जरूर करिएगा। तो थोड़ा मतलब लंबी हो रही थी, इसलिए मैं एलपी सीबीटी वन की सिलेबस मैथ का सिलेबस आप लोग के साथ डिस्कस कर पाया हूँ, और ये पार्ट वन है, और पार्ट टू मैं जल्दी आज ही अपलोड कर दूँगा। तो आप लोग इस वीडियो को देखिए, और जो भी डाउट होता है मैथ सिलेबस के रिगार्डिंग आप लोग कमेंट जरूर करिए। टू का सिलेबस अभी मैं कुछ देर बाद अपलोड कर दूँगा, आप लोग इस वीडियो को देखिए, और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, एंड ऑलवेज बी हैप्पी एंड रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स। थैंक यू।